ये मेट्रो अब केवल इंदौर में नहीं रहेगी, इंदौर में कहां कहां चलेगी प्रेजेंटेशन में आपने देख लिया, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अब हमारा संकल्प है मेट्रो इंदौर से पीथमपुर भी चलेगी, उसका भी सर्वे का काम चल रहा है, काम प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरे इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलना चाहिए, अरे चलना चाहिए, तो बोलो महाकाल महाराज की। तो हमारा यह संकल्प है कि 2028 के सियास्त में आप इंदौर से मेट्रो में बैठ के उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे, उस काम को भी हम प्रारंभ करेंगे। एक बात और हमारे सांसद जी ने कही है, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, तो अब इंदौर बहुत तेजी से विकास कर रहा है, आसपास के क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र को समुचित विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी यहाँ पे, ताकि तेज गति से अपना इंदौर आगे बढ़ सके। एक समस्या और यहाँ रजिस्ट्री पे बैन लगा हुआ है, मुझे बताया गया गांधीनगर में, और गांधीनगर वासियों ने भी मेट्रो के निर्माण में पूरा सहयोग दिया है, ये रजिस्ट्री के बैन पर भी रोक हटाने के लिए तेज गति से कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार मैं फिर इंदौर वासियों को मेट्रो की सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बढ़ता रहे इंदौर, मुस्कुराता रहे इंदौर, आगे चलता रहे इंदौर। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।